स्टार्ट अकॉर्डिंग पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो गूगल क्रोम का लोगो बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? गूगल क्रोम का लोगो थोड़ा सा इस तरह से बनेगा। यहाँ पे हम एक ले लेते हैं सर्किल, पहले 300 बाय 300 का। उसके बाद एक सर्किल लेंगे हम इसमें 100 बाय 100 का, फिर थोड़ा सा अलग कलर भर दें इसे, ब्राउन कलर डाल। एक सर्किल लेंगे फिर हम 25 बाय 25 का, नहीं 25 बाय 50, 50 बाय 50 का लेंगे। चलो पहले दोनों को सेलेक्ट करते हैं, जरा इसको बेस बनाते हैं और इसको सेंटर कर लेते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर कर लेते हैं। ठीक है, अब ये इस तरह से आ गया। अब इसके अंदर एक और सर्किल लेना है, कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी पेस्ट इन प्लेस और अल्टर शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा सामने छोटा कर दे, इसमें थोड़ा सा अलग कलर डाल देते हैं। ये गूगल क्रोम का बेसिक शेप हमने निकाल लिया। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से एक लाइन टूल लेना है और क्रॉसिंग्स पे बनाना है। तो ये क्रॉसिंग यहाँ से निकाली, एक क्रॉसिंग हमने यहाँ पे निकाली। ठीक है, इन लाइंस के भी थोड़े से कोई आउटलाइन सेट कर लें ताकि ये दिखाई भी तो देना, वरना दिखाई नहीं देंगी तो फिर कैसे काम होगा। एक क्रॉसिंग हमने ऐसे निकाली, एक क्रॉसिंग हमने ऐसे निकाली, तीन हिस्से रहेगा इसके, तो ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक है, और तीसरा जो हिस्सा है हमने इसका इस तरह से निकाल दिया। जो भी गूगल क्रोम का डिजाइन है उस हिसाब से तीनों में इक्वल इक्वल जैसा भी हो सके वो आप निकाल सकते हैं। वो थोड़ा सा इसमें मेहनत करके भी आप देख लें कैसे क्रॉसिंग में निकाल रहे हैं, और तीसरा वाला आपका यहाँ से इस तरीके से मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से सही है। अब क्या करेंगे, सिंपली हमने क्या करना है, क्रॉसिंग्स तो हैं ही है, सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, शेप बिल्डर ले लेंगे। शेप बिल्डर लेके क्या करेंगे, ये बाहर वाले तो सारे गए, ठीक है, फिर एक दो तीन हिस्से कर दिए इसके, और ये अंदर वाले भी गई लाइन लाइन पे जाना चाहिए, लाइन लाइन जानी चाहिए। हाय, ठीक है, लाइंस पे गई, क्लियर हो गया। ठीक है, अब जाइए इस पे क्लिक करें, इसमें कलर भर दीजिए, इसमें क्लिक कर दीजिए, इसमें क्लिक कर दीजिए, ये बन गया आपका गूगल क्रोम, इसको वाइट कर दीजिए। सही है, समझ में आ गई बात? ये